मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू पकवान कला। जैसा कि आपको पता है, मैं आपसे जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ उनमें मैं बहुत ही कम तेल का यूज करती हूँ। मेरा मोटिव है कि आपको कम तेल में हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया जाए। तो आज भी मैं कम तेल में एक आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है घिया का भरता। आपने बैंगन का भरता तो बहुत खाया होगा, तो आज हम बनाते हैं घिया यानी लौकी का भरता, और ये भी बैंगन के भरते से बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और हम क्या क्या करेंगे। लौकी का भरता बनाने के लिए हम कुछ टिप्स भी यूज करेंगे, उसकी वजह से हमारी जो लौकी है ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका भरता भी टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहला टिप है कि हम इस लौकी में जगह जगह ऐसे छेद कर लें नाइफ या फोक की हेल्प से। मैंने चाकू से इनमें छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। इससे जो है हमारी लौकी अंदर तक अच्छे से पकेगी, क्योंकि इन छेद की वजह से इनमें अंदर तक हीट पहुंचेगी। तो अब हम इस लौकी को भूनते हैं। मैंने गैस को जलाकर इस पर एक ये जाली रख ली है। आपके पास जो भी जाली हो आप उस पर रख के और फिर इस घिया को भूनिए। मैंने गैस को हाई फ्लेम पे रखा है। हाई फ्लेम पर ही मैं इस घिया को भूनूंगी। जब मेरी घिया भुननी शुरू हो जाएगी तो मैं इसको ऐसे पलट पलट कर चारों तरफ से पूरी घिया को भून लूंगी। वो बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूंगी। मेरी घिया चटकनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है ये भुननी शुरू हो गई है। ये छिलका जला हुआ देखकर हमें लगता है कि हमारी लौकी अच्छे से भून चुकी है, लेकिन इस पर अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो हमारी लौकी अभी भुनी नहीं है, ये कहीं से भी सॉफ्ट नहीं है। तो हमें इसको इस स्टेज पर नहीं छोड़ना है। हमारा टिप नंबर दो यही है कि हाई फ्लेम पर हम इस लौकी को सॉफ्ट होने तक अच्छे से भुनेंगे। टिप नंबर तीन, हमारी घिया एक तरफ भुन रही है, अब ये भुनने वाली है, तो मैं दूसरी तरफ क्या करूँगी कि मैंने ये तवा गैस पर रख लिया है। जिस तवे पे मैं रोटी बनाती हूँ वही तवा मैंने गैस पे रख दिया है। अब इस तवे को मैं अच्छे से गर्म करूँगी। आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिए। मैं हमेशा कई बार एक रेसिपी को ट्राई करती हूँ अलग अलग तरह से, फिर जो बेस्ट रिजल्ट आता है उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी घिया भुनकर अब सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए ये अच्छे से दब भी रही है। अब मैं क्या करूँगी, इस घिया को अपने गर्म तवे पे रख दूंगी ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत कसर बाकी हो तो इस गर्म तवे पे ये अच्छे से पक जाएगी। इसको बिल्कुल धीरे धीरे हीट मिलेगी। मैंने इसको तवे पे रख दिया है और अब इसे मैं किसी एक बर्तन के साथ कवर कर दूंगी और गैस को मैंने बंद कर दिया है। तवा मेरा अच्छे से गर्म है। अब इसी तरह से मैं दूसरी घिया को भी भून लूंगी। घिया मेरी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई है, ये देखिए। अब हम इसके ब्लैक जो छिलके हैं इनको उतार लेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे काट लेंगे और एक चाकू की हेल्प से इन छिलकों को ऐसे आराम से उतारेंगे। मैंने घिया को अच्छे से छील लिया है। इसका जो ब्लैक छिलका था जो जल गया था वो मैंने सारा उतार लिया है, लेकिन अब भी कई जगह इस पे ये ब्लैक ब्लैक छिलके लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो इनको हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको धो लेंगे तो ये सारे छिलके उतर जाएंगे और हमारी ये जो है हमारी लौकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको चौथा टिप बताती हूँ, हमें लौकी को धोना नहीं है। धोने से एक तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और जो इसका भूनने से एक स्मोकी फ्लेवर आया है इसका, वो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारा ये भरता नहीं बनेगा, वो तो फिर हमारी घिया की सब्जी बन जाएगी। तो हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे हम अच्छे से ऐसे रब कर लेंगे। हमारी लौकी अब अच्छे से साफ हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत कहीं स्पॉट रह भी गया हो तो हमारा लौकी को अंदर से रोस्ट करने से है, उससे हमारा टेस्ट ही अच्छा आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस लौकी के हम बारीक बारीक टुकड़े काट लेंगे। लौकी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं एक छोटी चम्मच जीरा डालूंगी, उसके बाद कटी हुई अदरक और फिर लहसुन। अब इसे मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। लहसुन और अदरक फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालूंगी। अब दो मीडियम साइज की प्याज, इन्हें मैं हाई फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करूंगी। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि भरते में ज़्यादा भुनी हुई प्याज अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं इन्हें हल्का ही फ्राई करूंगी। प्याज को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मेरी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी डालूंगी, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी। ये मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और गैस को हम थोड़ा सा धीरे कर देंगे और इसे ढककर अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। मसाले को बीच बीच में चलाते हुए हमने अच्छे से भून लिया है। हमारा मसाला भूनकर तैयार है। ये साइड से तेल तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने तेल बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम ये लौकी डालेंगे। ये देखो ये कितने अच्छे से मैश हो चुकी है। हमने मसाले में लौकी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे लो फ्लेम पर हम ढक कर बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे। भरते को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। अब मेरा भरता अच्छे से अब कुक हो चुका है। अब भरता हो और इसमें हरा धनिया ना हो तो भरता अधूरा लगता है। तो अब हम इस पे करेंगे हरे धनिया की बारीश। हरा धनिया डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, क्योंकि भरता है तो खुशबू वाला तो हमें बनाना ही पड़ेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं गैस को कर दूंगी बंद और ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही ढके रहने दूंगी, ताकि धनिया और गरम मसाले का फ्लेवर हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाए। लौकी का भरता हमारा बनकर तैयार है। इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, मुझसे तो भाई रुका नहीं जा रहा। अब इस भरते को मैं करती हूँ सर्व और गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसे खाती हूँ। यकीन नहीं आता तो आप मेरे तरीके से एक बार लौकी का भरता जरूर बनाइए और खाते खाते मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए आपको ये भरता कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।